मुंबई के लोअर परेल में स्थित लोधा पार्क क्लब हाउस में इन स्प्रिंग इंडियन वुमेन संस्था द्वारा पंखों को उड़ने दो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के रूप में डॉ मंजू लोधा, डॉ सुकन्या अय्यर, विशेष अतिथि में नभोमिता मजूमदार, गौरव श्रीवास्तव खास तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्वावलंबन और स्वाभिमान हर महिला के लिए कितना जरूरी है, इन विषयों को लेकर चर्चा परिचर्चा हुई, जहां समाज में स्वावलंबन और स्वाभिमान की कसौटी पर खरे उतर चुकी महिलाओं को आए अतिथियों के हाथों IIW की तरफ से अवार्ड देकर उनका गौरव बढ़ाया गया। कार्यक्रम में शामिल हुई तमाम महिलाओं ने IIW द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। वही संस्था की तरफ से रश्मि मिश्रा ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। सबसे पहले तो मैं रश्मि जी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह से महिलाओं की प्रतिभा को जो बाहर निकाल रही है और उनको पुरस्कृत कर रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब हम वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सही मायनों में वुमन एम्पावरमेंट होता है जब एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाकर ले जाती है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं जहाँ की हमारी महिलाओं के अंदर प्रतिभा तो इतनी अधिक छिपी है, लेकिन कहीं परिवार की अड़चन होती है, कहीं खुद के अंदर आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पाती। इसलिए मैं प्रत्येक महिला से कहना चाहती हूँ कि हर एक के अंदर आपके अंदर प्रतिभा है और आप अपनी उस प्रतिभा को ढूंढिए, उसे बाहर निकालिए, तभी आप अपने पंखों को एक नई उड़ान दे सकती हैं। किस तरह का अनुभव तजुर्बा रहा आपका, आपके सक्सेस स्टोरीज महिलाओं की सुनी, इंटरप्रेनर्स की सुनी, काफ़ी समय निकाला आपने, तो क्या अनुभव रहा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। एक एक महिला मतलब हमें इंस्पायर कर रही थी। कई बार हम सोचते हैं ना, छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं और हम घबरा कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब हमने इन महिलाओं को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी कठिनाइयाँ तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हर कठिनाइयों को हमको हेलन केलर हमेशा कहा करती थी, अगर उल्लंघन के लिए रेखाएँ ना होती, पार करने के लिए सीमाएं न होती और तोड़ने के लिए बाधाएं न होती, तो जीवन में किसी पुरस्कार की तरह मिलने वाले आनंद में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रहती। क्योंकि जब आप कठिनाइयों को पार कर कर कुछ पाते हो, उसका जो आनंद होता है वो तो एक अलग ही होता है, दुगना ही होता है, कि छूकर के पाषाणों को जो भगवान बना लेते हैं, विधि के निष्ठुर अभिशापों को जो वरदान बना लेते हैं, वही वीर होते हैं जो विपत्ति में भी नव उल्लास लिए चलते हैं और सांस सांस में नव जीवन का नव इतिहास लिए चलते हैं। लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अंधेरे में भी राई के दाने ढूंढ लेते हैं, तो हमारी कठिनाइयाँ क्या है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार, इसलिए जीवन में कभी हारिए मत। मैडम, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को उचित सम्मान नहीं देते, ऐसे में महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और उन पुरुषों के लिए जो महिलाओं को कहीं ना कहीं अलग स्तर से दिखते हैं? तो वही सबसे कहना चाहती हूँ कि बचपन से माता पिता को, हर बच्चे को, हर लड़के को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हर नारी का सम्मान करना होगा, ताकि तब जो बड़े होते हैं तब वो हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, उसका वो सम्मान करना सीखेंगे। नारी का सम्मान जहाँ होता है वहीं देवता वास करते हैं, मनुस्मृति में भी ये लिखा गया है, और हमारी सारी जो देवियाँ भी हैं वो सब नारियाँ हैं। जब हम देवियों की पूजा करते हैं, नव दुर्गा की, नव रूप की पूजा करते हैं, तब हम अपने घर की महिलाओं की पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मतलब मैं तो हमेशा सबसे कहती हूँ, साल में एक दिन ऐसा मनाएं जब अपने घर की देवी की पूजा करें, उसे एक ऊंची कुर्सी पर बिठाएं, उसका लोगों के सामने सम्मान करें कि आज जो हमारा घर चल रहा है वो इन्हीं की वजह से चल रहा है। जब आप महिला का सम्मान करेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, घर में खुशहाली आएगी, नहीं तो वही महिला जो है घुट घुट कर मर जाएगी, और उसे जीना नहीं कहते हैं। हम सफर दो को सबको साथ चलना है, कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पंचर हो गया तो दूसरा नहीं चल सकता, तो साथ लेकर चलें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
आई थिंक जो दबाते हैं और जो सोचते हैं कि हम राज करें औरत दब के रहे, वो उनको वक्त में ये चीज जो है ना, वक्त की मार जरूर पड़ती है। आज वो औरत को अगर दबा रहे हैं, औरत की को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी रुकेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता है आज तक कि जो औरत को दबा के खुद आगे बढ़ सका है, क्योंकि नारी शक्ति और देवी शक्ति ब्लेसिंग उन्हीं को देती है जो औरतों को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमने देखा है बहुत एक्सपीरियंस से कि जो औरतों को घर में वैल्यू देते हैं उनका ही परिवार संपन्न होता है। और ये वक्त के अभी आज नहीं समझोगे तो वक्त तुम्हें जरूर सिखाएगा कि औरतों को दबा के रख के आप कहीं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू बोलना है, और बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। ऑफकोर्स मैंने स्टॉल रखा, वो तो डेफिनेटली मेरा इंट्रोडक्शन हुआ मेरे प्रोडक्ट्स का, पर मुझे जो सारे सब जो थे उन्होंने जिस तरह से सब बताया, उनकी जर्नी वगैरह वो सो इंस्पायरिंग कि कहीं कहीं जब हम कहीं आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ पीछे हटते तो आज मुझे समझ में आ कि नहीं वो राइट तरीका नहीं है। तो दिस इज ऑल थैंक्स टू ओनली थैंक्स टू रश्मि जी, और मैं उनको बहुत बहुत अच्छा विश कर रही हूँ। भगवान करे ऐसे बहुत सारे वो प्रोग्राम्स करें, बहुत सारे विमेन को इंस्पायर करें। थैंक यू रश्मि, एंड इट्स लाइक आई बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑलवेज व्हेन आई वाज अ किड आई ऑलवेज सेड वन सॉन्ग व्हिच वाज वेरी गुड, आई मीन व्हिच आई लव्ड इट, एंड दैट इज आई बिलीव आई कैन फ्लाई। And it was so fortunate that the award that I got was Pankhon Ko Udne Do. It was so much, I mean, I really felt it was so good. And the kind of speakers that you had, their stories are so inspiring. I think this is an amazing platform. And thanks for all the work that you and your team are doing. Okay, hi, this is Professor Amisha Dauda. And thank you so much, Rashmi ji, for inviting me here. We just met yesterday. It was a wonderful event, which is, I mean, organized really well. And very systematically everything has been planned, and she's quite motivating and inspiring to people. I would request most of the people to get associated in her group. And besides this, we were one of the sponsors. I had a great time. We also promote Indian culture and Indian artists and women empowerment. Thank you so much, Rashmi ji, and all the best for your future win. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म का कि ये प्लेटफॉर्म से हमको इतना सीखने और समझने का मौका मिला। आज जो वुमेन्स हैं अपने अंदर के आर्ट और स्किल को इतना दबा के रखा है कि वो उभर नहीं पा रही है, और इस प्लेटफॉर्म ने उन औरतों को एक मौका दिया है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर साथ में कंबाइन होकर हम हमारी आर्ट और स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। IIDW की वजह से हम जितना हो सके ज़्यादा हम भी ग्रोथ कर सकते हैं, और हमारे साथ में जो ट्राइब्स हैं वो भी ग्रोथ कर सकते हैं। थैंक यू। इट हैज़ बीन अ वेरी इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस लर्निंग फ्रॉम सच ग्रेट पीपल। द लाइफ स्ट्रगल्स वर एन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर अस टू नॉट गिव अप, and also to work hard towards bringing up women. It is very important that women get together and help the other women come up in life. ये अकेले वाली बात नहीं है। So it is great to be associated with an organization that is selflessly working towards this. And we only hope to go forward, and we only hope to inspire and be inspired. Thank you. ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी क्या विचार हैं आपके उसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक इज बहुत अच्छा है ये, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे वुमेन कैन कम एंड एक्सप्रेस द वे दे वांट, जो करना चाहते हैं उसमें कोई शर्म नहीं है कि आज मैं छोटा सा एक ट्रेनिंग स्कूल चला रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर हम कोई और बड़े नेटवर्क में जाते तो यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर इनकम होना चाहिए, आपका एक पर्टिकुलर आउटपुट होना चाहिए, आपके एक अहदा होना चाहिए, ये सब यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक वी आर ऑल वन। थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजर्स, लाइक स्पेशली ढूंढ ढूंढ के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को निकालना, जिन्होंने घर से बाहर निकल के अपने जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करके मतलब लाइफ में कुछ अचीव किया है, क्योंकि एवरी वुमेन हैव अ डिफरेंट स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल से यू नो आज बहुत सारे रोल मॉडल यहाँ पे देखने को मिले
कि एक औरत घर के चूल्हे चौके से निकल के, मतलब वो करते हुए भी एक बिजनेस वुमेन, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकती है. थैंक यू सो मच एंड टू रिकॉग्नाइजिंग अस, विच इज़ लाइक ऐसा होता है कि 25 ईयर से आप जो प्रोफेशन में हैं तो आपके क्लाइंट आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, बट एक अलग ऑर्गेनाइजेशन वो ढूंढ के आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, विच इज़ अमेजिंग मोमेंट फॉर अस. थैंक यू सो. फर्स्टली तो मुझे रश्मि मैम को थैंक यू करना है बिकॉज उन्होंने मेरे में ये हुनर देखा. मेरा न्यूली ब्रांड सी जायका जो है फूड प्रोडक्ट्स, एक डेढ़ साल हो गया मैंने स्टार्ट किया और मैम ने मेरे को देखा कि मैं इतना हार्ड वर्किंग, इतना स्ट्रगल करके कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबको अपने फूड प्रोडक्ट्स आगे लाऊं. सो शी ब्रॉट मी टू दिस इंस्पिरेशन इवेंट एंड अवॉर्डेड मी. सो थैंक यू सो मच रश्मि मैम एंड लव यू. रश्मि मिश्रा जो है ये महिलाओं के लिए बहुत काम करती है. इसको मैंने देखा है लंदन में भी, लंदन में पार्लियामेंट में इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और लेडीज़ के लिए वहाँ पर भी काम करती है, यहाँ पर भी काम करती है. मैं कई सालों से उसको जानती हूँ और इस तरह के जो प्रोग्राम वो लेती है उससे कई सारी महिलाओं को प्रेरणा मिलती है. कई सारी महिलाएँ जानती है कि उन्हें भी आगे क्या करना चाहिए और इस तरह से महिलाओं को गेट टुगेदर करके एक दूसरे की बातें सुनकर दूसरी महिलाओं के को प्रेरणा देती है. इसलिए मैं रश्मि को धन्यवाद दूंगी कि उसने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और आगे भी ये इस तरह से प्रोग्राम करती रहेगी और हम उसके साथ हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. जी मैं बहुत आभारी हूँ रश्मि जी की और अपनी संस्था जो ये इतना बड़ा आज ये दूसरी सालगिरह है जहाँ पे उन्होंने इतने सारे वुमेन अचीवर को अवार्ड दिया, इतने सारे वुमेन जितना कंट्रीब्यूट किया, जितना बागाली बनाया है सोसाइटी के लिए, उन सबको एक्नॉलेज किया. ये जरूरी है, ये आपके पास जो इतने सारे माइक्स है ये जरूरी है. क्यों? क्योंकि जब एक वुमेन काम करती है एक रेवेन्यू जनरेट करना उसको होता है. सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन में वो नहीं रुक सकती है क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेशन जब हो गया वहीं उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है. ये आपका जो काम है ना ये स्टोरी को आगे लेके जाती है और एक सक्सेसफुल वुमन से सारा नेटवर्क बनता है, एक रश्मि मिश्रा से सारा इंडियन इंस्पायरिंग वुमन बनती है और ऐसे ही नेटवर्क से सैकड़ों वैसे सशक्तिकरण से नारियां बनती है जो सिर्फ एक कंपनी नहीं चलाती है बट पूरी इंडस्ट्री को बना सकती है. आई एम श्योर आज आपने कल्पना जी को सुना, आज आपने इतने सारे पावरफुल लीडर्स को सुना, ये सारी स्टोरीज है ना आपके लिए शायद आज के लिए होगा, कल सवेरे आपको फिर से मोटिवेशन चाहिए होगा. दैट्स एग्जैक्टली दैट जब आपको खुद करना चाहिए खुद के लिए और ये जो आप काम हो रहा है ना ये कंटिन्यू करेगा सिर्फ कल नहीं आपके आने वाले हर कल के. सो धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए. मैं इंडियन इंस्पायरिंग विमेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक लेडी को अपने आप को दिखाने का मौका मिलता है एंड आई थिंक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने आप को दिखा सकती है, सबके सामने आ सकती है कि एग्जैक्टली वो करती क्या है, वो चाहती क्या है. And that's all I have to say. Thank you so much. Thank you, ma'am. Indian Inspiring Women is an excellent organization. नारी सशक्तिकरण के बारे में है और मैं सोचती हूँ कि नारी सशक्तिकरण घर से शुरू होता है और नारी जो भी ठान लेती है, इच्छा शक्ति जो उसके अंदर है, जो कूट कूट के भरा है और देश को भी नहीं जब वो परिवार को सशक्तिकरण कर सकती है, अपने बेटा बेटी परिवार को, वो देश को भी सशक्तिकरण कर सकती है. आज हमारी जो तिजोरी है, देश की जो तिजोरी की जो चाबी है एक महिला के हाथ में है, निर्मला सीतारामन जी. बहुत सशक्तिकरण है, सशक्त नारी है. तो ऐसे नारियों के साथ मैं आज इस मंच पे बैठी हूँ, इतने नारी सशक्तिकरण को देखती हूँ तो हमारे देश ना केवल एक विकसित भारत होगा पर वो सुवर्ण भारत होगा जहाँ नारी हर ओहदे पर पूरे तरह से ऊंचे पद पे और सशक्त होके निकलेंगे. इसी के साथ मैं बोलती हूँ, अपने शब्दों को विराम दूंगी और बोलूंगी जय हिंद. थैंक यू. आई एम श्रद्धा कुलकर्णी, आई एम फाउंडर ऑफ लिंगो क्वेस्ट. आई एम हियर विद माय मदर टुडे विभूति मयूर कुलकर्णी एंड एट दिस इवेंट बाय इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन आई
As a young entrepreneur, I was really inspired by all the females over here, and it was a wonderful, fantabulous event. Thank you so much for this platform. Yes, to Rashmi. This is Vibhuti Karni Kulkarni, and I'm the director for Anjali Doors Private Limited and founder for Career Vision Academy. I'm also a part of this Inspiring Indian Women led by Rashmi Mishra. And today we had a fantabulous event today, and it was really inspirational and too good. Thank you, Rashmi, for this wonderful event. Thank you.